अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बुक को देखेंगे। हमारी जो आज की बुक है वो है फीसेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वोकेबलरी प्रीमियर क्लास। इट्स मीन के ये प्ले क्लास की बुक है। सो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बुक को ओपन करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इन फर्स्ट लुक, दिस इज़ कैरेट। ये कैरेट है, कैरेट। सो कैरेट को उर्दू में गाजर कहते हैं। कैरेट को उर्दू में गाजर कहते हैं और इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। कैरेट ज़्यादातर सर्दियों में ताज़ी आती है और लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। सैलड का कैरेट का इस्तेमाल सैलड में भी किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इसे पकाते भी हैं। सो दिस इज़ कैरेट, कैरेट। नो नेक्स्ट इज़ केक। सो लुक, दिस इज़ केक, 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 केक। सो केक को उर्दू में भी केक ही कहा जाता है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक है, बहुत ही मज़े का। सो दिस इज़ केक। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्रेयॉन्स। लुक, क्रेयॉन्स कलर, दीज आर क्रेयॉन कलर। ये क्रेयॉन्स कलर हैं जिसमें मेरे पास येलो, रेड एंड ग्रीन, मेरे पास तीन रंगों में मौजूद हैं। सो दीज आर क्रेयॉन्स कलर। ये क्रेयॉन्स कलर हैं, क्रेयॉन्स कलर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे पास यहाँ पर टेबल पर पड़े हैं। सो दीज आर क्रेयॉन्स कलर। सो किड्स, मूव ऑन नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स पड़े हैं और ये फ्लैश कार्ड बहुत ही खूबसूरत से है। इन फर्स्ट लुक, दिस इज़ कैंडल। ये कैंडल है, कैंडल, कैंडल। कैंडल को उर्दू में मोमबत्ती कहा जाता है, कैंडल को उर्दू में मोमबत्ती कहा जाता है। सो दिस इज कैंडल, कैंडल। नाउ नेक्स्ट इज कप, कप। सो कप को उर्दू में भी कप ही कहा जाता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं या हम लोग इसमें दूध भी लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कैरेट, कैरेट। सो ये कैरेट है, कैरेट को उर्दू में गाजर कहते हैं, कैरेट। नाउ नेक्स्ट इज कैट, कैट। सो दिस इज़ कैट। सो कैट बहुत ही खूबसूरत सी है और ये कैट है। कैट को उर्दू में बिल्ली कहते हैं। सो दिस इज़ कैट, ये कैट है। सो किड्स, डू यू नो व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ कैट? कैरेट, कप एंड कैंडल। सो इट्स बिगनिंग साउंड इज़ लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख। So this is letter C sound kh, letter C sound kh. So cake's beginning sound is letter C sound kh. So crayon's color beginning sound is letter C sound kh, and the carrot's beginning sound is letter C sound kh. Kh kh carrot, kh kh cake, kh kh crayon's color. So kids, हमने इनकी शुरू की आवाज़ों को देखा। द नेक्स्ट मूव ऑन बुक। अब हम अपनी बुक की जानब चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बुक में देखेंगे कि हमारे लिए इसमें कौन कौन से काम हैं। सो खूबसूरत तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी बुक की जानब चलेंगे। ऑन बुक, वेरी ब्यूटीफुल पेज। सो पेज नंबर 8, ऑन पेज नंबर 8 वेरी ब्यूटीफुल वर्क एंड द वर्क इज रीड। सो द फर्स्ट वर्क इज रीड। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पढ़ना है। द नेक्स्ट इज ट्रेस। सो हमने ट्रेसिंग करनी है। द नेक्स्ट इज कलर, हमने कलर्स करने हैं। एंड द नेक्स्ट इज सर्कल, सो हमने सर्कल भी करना है। सो लुक, दिस इज कप, 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 कप। ये कप है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न। ये कॉर्न है और कॉर्न का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादातर किया जाता है। द नेक्स्ट इज कैप, कैप, कैप को उर्दू में टोपी कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी होती है जिसे हम लोग अपने सर पर पहनते हैं जी। सो यहाँ पर हमने खूबसूरत तरीके से देखा कप, कोन, कैप। सो किड्स, डू यू नो व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ कप, कोन, कैट? सो इट्स बिगनिंग साउंड इज लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख, ख कप, ख कॉर्न, ख कैप। सो किड्स, हमने खूबसूरत तरीके से
कुछ तस्वीरों को देखा। द नेक्स्ट इज ट्रेसिंग। सो अब हम लोग खूबसूरत तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। सो दिस इज लेटर सी साउंड ख। सो ट्रेस लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख, लेटर सी साउंड ख। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वर्क इज कलर्स। सो हम लोग क्या करेंगे, इनमें कलर्स करेंगे। सो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से क्रेयॉन्स कलर हैं। सो मैं क्रेयॉन्स कलर का इस्तेमाल करूँगी अपनी खोन में। सो खूबसूरत तरीके से मैं इसमें कलर करूँगी। सो मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसमें खूबसूरत तरीके से चॉकलेट कलर को करूँगी। सो फर्स्ट कवर द बाउंड्री एरिया। सबसे पहले मैंने क्या करना है, कवर करना है बाउंड्री एरिया को। द नेक्स्ट मैं इसमें कलर करूँगी। सो मूव ऑन अप एंड डाउन। सो किड्स खूबसूरत तरीके से मैंने कलर्स को डन किया। द नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इस कॉन में भी कलर करूँगी। सो द कलरिंग इज डन। मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी इज सर्कल द ऑब्जेक्ट विच बिगिंस विद लेटर ख। सो द फर्स्ट इज ग्लास। सो ग्लास मेरे पास पहली तस्वीर में ग्लास है। सो ग्लास बिगनिंग साउंड इज ग, ग ग्लास। सो ग्लास की बिगनिंग साउंड ग है। एंड द नेक्स्ट इज कप। नेक्स्ट मेरे पास है खप। सो खप्स बिगनिंग साउंड इज ख। सो हम लोग सर्कल करेंगे खप को, बिकॉज खप की बिगनिंग साउंड ख है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। ऑन नेक्स्ट इज पेज नंबर 9। ऑन पेज नंबर 9 वेरी ब्यूटीफुल वर्क। सो वर्क इज मैच कलर एंड ट्रेस। मिलाइए, रंग भरिए और पेंसिल फेरिए। सो द एक्टिविटी इज मैच ख विथ करेक्ट पिक्चर। हमने क्या करना है, ख में लेटर को मैच करना है उसकी दुरुस्त तस्वीर से। सो द फर्स्ट इज खैप। सो खैप स्पीकिंग साउंड इज खैप मैच विथ ख। सो द नेक्स्ट इज खेक। सो खेक स्पीकिंग साउंड इज खेक नो मैच विथ खेक। नो द नेक्स्ट इज एप्पल। सो एप्पल स्पीकिंग साउंड इज एप्पल और हम इसे मैच नहीं करेंगे, बिकॉज एप्पल की बिगनिंग साउंड ए है। सो द नेक्स्ट इज खप। सो खप स्पीकिंग साउंड इज खप नो मैच विथ लेटर ख। सो द नेक्स्ट इज खोन। सो खोन स्पीकिंग साउंड इज खोन नो मैच विथ ख। सो द नेक्स्ट इज बैट। बैट सो बैट स्पीकिंग साउंड इज ब नॉट ख, इसलिए हम इसे भी मैच नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज कलर्स। सो हम लोग खूबसूरत तरीके से इस खप में कलर करेंगे। सो कप में मैं खूबसूरत तरीके से कलर करूँगी। सो ब्राउन कलर को मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी बाउंड्री एरिया को कवर करना है। द नेक्स्ट खूबसूरत तरीके से मैंने क्या करना है, इसमें कलर्स करने हैं। सो कप में हमने खूबसूरत तरीके से कलर्स को डन किया। Then move on next and the next is trace. So हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। सो लेटर सी साउंड ख, 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 लेटर सी साउंड ख। सो लेटर सी साउंड ख इज डन। सो किड्स हमने खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को डन किया और आप लोगों ने भी इसी तरह अपने वर्क को खूबसूरत तरीके से डन करना है। सो किड्स इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।